हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा की लास्ट एपिसोड के कुछ बिहाइंड द सीन और कुछ तस्वीर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो देखने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा ने तो धूम मचा दी। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा की स्टोरी देखकर बहुत से लोग ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तानी ड्रामे दुनिया के बेस्ट ड्रामे हैं। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा जो कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पर है, बहुत जल्द इसकी लास्ट एपिसोड आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि क्या लास्ट एपिसोड में दानिश तैमूर मर जाएगा या फिर दोरे फिशा मर जाएंगी, क्या लास्ट एपिसोड जो कि है सैड एंडिंग होगी। तो मैं आपको बताती चलूं कि मेरी कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा की एंडिंग बहुत ही हैप्पी एंडिंग होने वाली है। दानिश तैमूर से जब पूछा गया कि क्या कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा की लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, तो दानिश तैमूर ने हंसते हुए अपने फैंस से कहा कि मुझ पर भरोसा रखिए, जितना आप लोग इस ड्रामा को पसंद कर रहे हैं तो आपको हैप्पी एंडिंग ही देखने को मिलेगी। और दोरे फिशा से जब पूछा गया कि क्या इस ड्रामा की लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, तो दोरे फिशा ने हंसते हुए कहा कि इस ड्रामा में जितना दानिश तैमूर ने उन्हें तंग किया है, तो उन्हें उम्मीद है कि इस ड्रामा की सैड एंडिंग ही होगी, क्योंकि दानिश तैमूर को लास्ट एपिसोड में रोना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने दुख दानिश तैमूर ने मुझे दिए, लास्ट एपिसोड में दानिश तैमूर को इतने ही दुख मिलने वाले हैं। दोरे फिशा के इस इंटरव्यू को लोगों ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। इस ड्रामा में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने सबने अलग अलग बताया कि इस ड्रामा की एंडिंग कैसी होगी। सो बहुत जल्द इसकी लास्ट एपिसोड आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस ड्रामा को शूट करते करते एक साल गुजर गया। इस ड्रामा की शूटिंग इतनी लंबी थी कि दानिश तैमूर कहते हैं कि इतनी लंबी तो फिल्म की शूटिंग नहीं होती जितनी कि इस ड्रामा की। इतनी लंबी शूटिंग तो इंडियन ड्रामा की नहीं होती जितना कि कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा की शूट लंबी थी। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, अब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।